सो गाइस, चंकू के एक बहुत अच्छे दोस्त है। इस बात को सभी फैंस, सभी आमिर जानती है। एंड मैं आपको बता दूं कि चंकू ने फिर से एक बार अपने एक बेस्टी को सपोर्ट किए हैं, लेकिन एक जो हादसा हुआ था साउथ कोरिया के सोल इटावन में, जिसकी वजह से साउथ कोरिया के साथ जो बाकी के देश थे वो भी बहुत ज्यादा सैड थे। एंड उसी बीच चंकू अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए पहुंचे, लेकिन उस हादसे की वजह से हम चंकू की उस पिक्स को, उस फोटोज को नहीं देख पाएंगे। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए एंड इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। एंड यस, जो बेल का आइकन बना हुआ है ना, उसे प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। सो किम तेयोंग के बहुत से ऐसे दोस्त है जो की एक्टर है, सिंगर है, एंड सेम ऐसे ही जंगकुक के भी एक दोस्त है, एक बेस्टी है जो की एक्टर है, कोरियन एक्टर है, जिनका नाम है यो जिन गु। एंड इन्हें आपने होटल बेल लूना स्टार में देखी होंगी, मूवी जो है जिसमें आईयूबी थी। मैं आपको बता दूं कि मंगलवार वाले दिन जियोन जंगकुक ने ना अपने बेस्टी यो जिन गु के वीआईपी प्रीमियर को अटेंड किए थे। यस, क्योंकि जंगकुक के जो बेस्टी है ना, उनकी मूवी आने वाली है जिनका नाम है डिक। एंड जंगकुक ने इस बात को अभी तक किसी को भी नहीं बताया है, लेकिन जो एक्टर है, जो जंगकुक के दोस्त है यू जिन गु, उन्होंने खुद से इस बात को कंफर्म किया है एक इंटरव्यू में। एंड जिसके बाद ट्विटर पे एंड बाकी सोशल मीडिया पे सभी आमिज यही बोल रहे कि जंगकुक कितने अच्छे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो उनके दोस्त है यो जिन गु, उन्होंने कहा कि जंगकुक उनके साथ थे। एंड जंगकुक ने अपने दोस्त को थैंक यू भी बोला कि उन्हें उन्होंने बुलाया वहाँ पे। एंड जंगकुक को भी उनके दोस्त ने थैंक यू बोला कि उन्होंने इस प्रीमियर को अटेंड किए। हालांकि जो जंगकुक एंड उनके दोस्त का वीआईपी फोटोज है ना, वो अभी तक क्लिक नहीं किया गया, लाइक कहीं पे भी आप नहीं देख सकते हो। एंड इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो इटावन में हादसा हुआ था उसकी वजह से जितने भी मीडिया वाले थे ना, वो वहाँ पे नहीं थे। एंड उस हादसे के वजह से वहाँ पे एक भी फोटो क्लिक नहीं किया, फोटोज क्लिक नहीं किया जाने दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जैसे इंटरव्यू में उनके दोस्त ने ये बात बताई, तो आमिर जो फैंस है वो ये सोचने लगे कि अभी तक बिग एट कंपनी ने तो कुछ बताया नहीं है। यस, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है बता सकते हैं। अब उनके दोस्त ने, जंगकुक के दोस्त ने बताए होंगे तो वो झूठ तो बोलते नहीं होंगे, उन्होंने सच ही बोला है। एंड इसके अलावा ये जंगकुक के बेस्टी है। जंगकुक ने एक बार उन्हें एक अच्छा सा गिफ्ट भी भेजे थे, जिस टॉपिक पे मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया है। सो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि क्या गिफ्ट भेजे है उन्होंने इनको। एंड गाइस, इस न्यूज के बाद बहुत सी आमीज ना ट्विटर पे जाके बोल रही है कि जंगकुक बहुत ही ज्यादा पोलाइट, बहुत ही ज्यादा काइंड है, जिसकी वजह से जंगकुक ने अपनी फोटोज क्लिक नहीं करवाने दी। ऐसी बात बिल्कुल सच है। जंगकुक को ना एक जो वीआईपी सर्विस है उसकी नीड नहीं है, क्योंकि आपको पता है जंगकुक कितने ज्यादा सिंपल है। लेकिन इटावन वाला हादसा भी एक वजह है जिसकी वजह से फोटोज नहीं आए हैं। सो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।